हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपको मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स के कोई भी प्रॉब्लम पूछनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9460689761। यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर सकते हो। और आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन है ऐसे समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर वाले फलनों के आंशिक अवकलित गुणांक विद्यमान हो, आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर होंगे। स्वतंत्र चर जैसे एग्जाम्पल लिया है हमने, हमने यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। यदि जेड स्वतंत्र चर, जेड है ना, ये जेड कोई फलन है, स्वतंत्र चर एक्स तथा वाई का फलन है, मतलब जेड एक्स एंड वाई का फलन है, तो हम जो ऐसे फलन है तो इसका जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में हो सकती है। मतलब उसमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई आएंगे। अब वो किसी भी टर्म में आ सकते हैं, हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। मतलब ये भी हो सकता है एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स इसका हो सकता है, वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई हो सकता है, सिंपली डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो ये भी हो सकता है, वो पार्शियल डिफरेंशियल होगा। इक्वल टू एन जेड, एन जेड हो तो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वल टू एक्स हो, वाई हो तो भी पार्शियल डिफरेंशियल है, क्योंकि उसमें अगर डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ गया, डेल जेड अपॉन डेल वाई आ गया तो पार्शियल डिफरेंशियल हो गया। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लें, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद आता है अपने पास जो हमारे पास नोट करने वाली चीज़ है, वो है अपने पास पी बराबर। हम जैसे कहीं डेल जेड अपॉन डेल एक्स आते हो तो उसको पी लिखते हैं, कहीं डेल जेड अपॉन डेल वाई आता है तो उसको हम क्यू लिखते हैं, कहीं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आता है तो उसको आर लिखते हैं, कहीं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई आता है तो उसको एस लिखते हैं, एवं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर आता है तो उसको टी लिखते हैं। हम डिनोट करते हैं इसे, मतलब हमें याद रखने हैं कि कहीं अगर पी लिखा हुआ है तो इसका मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, अगर स्मॉल क्यू लिखा हुआ है तो उसका मतलब डेल जेड अपॉन डेल वाई है। इसी तरह आर लिखा हुआ है तो उसका मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, अगर एस लिखा हुआ है तो उसका मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई है, टी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब उसके बाद आते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे हमने उसमें पढ़े थे, हम डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री पढ़े थे, ऐसे ही यहाँ पे भी ऑर्डर एंड डिग्री होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पार्शियल पार्शियल ऑर्डर ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। मतलब कि जैसे ये इसमें हम पहले ये एग्जांपल लेते हैं, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल जेड एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन जेड, ये है। तो ये एक ऑर्डर का है क्योंकि यहाँ पे भी इसकी इसका ऑर्डर बने, इसका भी ऑर्डर बने। अगर इसमें डेल स्क्वायर आ जाता कहीं पे, कहीं पे यहाँ पे भी होता, यहाँ पे होता तो टू होता, थ्री होता, तो इसी तरह। अब जैसे इसमें लें तो इसमें डेल डेल जेड अपन डेल एक्स है, ये एक ऑर्डर का है। अगर कहीं डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर आता तो दो ऑर्डर का होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है कि कहीं हम ये नहीं लिख सकते कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये नहीं होता फ्रेंड्स। इसको हम आराम से देख भी सकते हैं, जैसे जेड बराबर एक्स स्क्वायर हम ले लें तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है अपने पास टू एक्स, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर स्क्वायर होता है, ये होता है स्क्वायर कर दें तो फोर एक्स स्क्वायर, ये हो गया। एम डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर होगा, इसका जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स आया था, डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर टू एक्स आया, इसका डिफ्रेंशिएशन जो है टू, तो टू इक्वल फोर एक्स स्क्वायर नहीं होता, तो ये हो गया अपने पास। अब आता है उसकी डिग्री, ये तो हमारे पास ऑर्डर हो गया। अब डिग्री डिग्री जो होती है, डिग्री ऑफ डिग्री होती है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसकी डिग्री जो होगी। जैसे इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का क्या वन है तो इसमें वन है। अगर इसमें जैसे ये होता है डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये होता है जैसे डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, एक अलग से एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, डी जेड अपॉन डेल एक्स का क्यू प्लस इक्वल टू कुछ एम जेड, ये अपने पास हमने एग्जाम्पल ले लिया।
एम जेड। अब हमें इसमें जो ऑर्डर निकालना है ना, ऑर्डर सबसे पहले तो हम इसमें निकालेंगे, मतलब पावर निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम हाईएस्ट ऑर्डर वाला। हाईएस्ट ऑर्डर वाला क्या है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास ये है हाईएस्ट ऑर्डर वाला, तो इससे मतलब कोई मतलब नहीं है क्या है। तो फिर हम डिग्री निकालने के लिए जो इसकी जो पावर होगी ना वो निकालते, ना कि औरों की पावर। तो इसकी पावर क्या है, वन, तो ये वन ऑर्डर का डेरिवेटिव है। इस तरह से हम आराम से चेक कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं डेरिवेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब कि स्वेच्छ अचरों के विलोपन द्वारा आंशिक अवकल गुणांकों का व्युत्पन्न करना। मतलब कि कोई हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई होगी। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी इस फॉर्म में होगी, जो कि फाई एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी। तो अब इस कंडीशन में हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती है तो उसमें हम जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए बी, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक्स वाई जेड फलन है, मतलब इनमें कोई रिलेशन है, तो हमें ए बी जो निकालना है ना, इनको विलोप करके कोई डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब हमारे पास देख लेते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट टू है तो हम हाईएस्ट टू पावर तक ही यूज़ कर सकते हैं, हम थ्री वाला यूज़ नहीं करेंगे। ये हमारे पास इसकी कंडीशंस होती हैं, मतलब तो जितने वो कांस्टेंट हो उतने तक ही यूज करो। अब जैसे इसमें दो हैं तो दो ही यूज़ कर सकते हैं हम। अब ये दे रखा है फाइव डी, ये दे रखा है फाइव एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है अपने पास। अब हम मान लिया हमने कि जेड जो है, हमारे पास जो जेड है, जेड बराबर एफ एक्स वाई कोई फलन है, हमने ये मान लिया कि ये इसका कोई फलन है। तो एक्स का एक्स क्रम से, तो ये क्वेश्चन इसको हम एक्स तथा वाई के सापेक्ष आंशिक अवकल करने पर लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डॉट डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो। या इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड को तो हम डेल फाई अपॉन डेल जेड ही छोड़ेंगे, लेकिन डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम पी लिख सकते हैं, तो पी लिख दिया इक्वल टू जीरो, टू आ गया। हमारे पास ये आ चुका है। तो अब हमें ये कोई क्वेश्चन निकाल सकते हैं, वो इस तरह हम डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई डॉट, नहीं डेल फाई अपॉन डेल जेड डॉट डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। अब हम समीकरण एक और दो से, जैसे इसमें हमें समीकरण एक और दो में, यहाँ एक और दो, इससे अगर हम ए और बी का विलोपन करें, ए का विलोपन करें, तो अपने पास जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो इस तरह से इक्वेशन होगी एफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू इक्वल टू जीरो, जो कि प्रथम कोटि का आंशिक अवकल समीकरण है। मतलब हमें प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण के लिए इस तरह से बदलना होगा। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है अपने पास, माना हमारे पास कुछ दिया हुआ है जेड बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, ये अपने पास दिया हुआ है। और इसका हमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो निकालना है, हमें निकालना है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेटिंग ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द इक्वेशन। इक्वेशन ये दी हुई है जेड एक्स प्लस ए वाई प्लस ए। अब इसको निकालने के लिए इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये निकालते हैं, पी होता है। तो क्या जाएगा अपने पास, डेल जेड अपॉन वाई अपॉन बी, ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो वाई अपॉन बी को छोड़ दो। अब एक्स प्लस ए, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो x प्लस ए का वन आ गया, तो y प्लस ए भी आ गया।
इसी तरह डेल जेड अपन डेल वाई निकाला हमने, जो कि क्यू होता है। इसमें हमने एक्स प्लस ए को कांस्टेंट है ये, और इसका हमने इसका किया तो ये वन आ जाएगा, वन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह डेल जेड अपन डेल एक्स, डेल जेड अपन डेल वाई दोनों हमने निकाल ली। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स प्लस जेड बराबर एक्स प्लस ए बाई प्लस बी, और हमें निकालना है, मतलब ये दे रखा है एफ एक्स बाई जेड, ए बी फॉर्म दी हुई है और हमें निकालनी है एक्स एफ एक्स बाई जेड पी क्यू, ये निकालना है हमें। अब ये निकालने के लिए हमारे पास बाई प्लस बी बराबर पी, एक्स प्लस ए बराबर क्यू, तो आ गया जेड बराबर पी क्यू, ये आ गया अपने पास। इस तरह हम इसके और भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप इसके एग्जांपल और भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको आराम से किसी बुक में मिल जाएंगे। और अगर आप इसे सॉल्व ना हो तो आप मेरे नंबर पर, जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया था, व्हाट्सएप नंबर था अपना 94 60 68 97 61, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर था। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आई है निकालने में तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूँगा।